एग्जाम्पल 55 देखो भाई, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं होने देना, क्योंकि वो तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का छूटना नहीं चाहिए अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। ट्वेल्थ की न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, वेरी शॉर्ट लगा रहे हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन डेरिवेशन वगैरह कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स नहीं लगा रहे हैं, तो दिक्कत आएगी। न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ लगाते चले जाएँ क्योंकि बहुत फ़ायदा देते हैं ये न्यूमेरिकल। बहुत अच्छे न्यूमेरिकलों में से एक है, अच्छा न्यूमेरिकल इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, साथ में ये अकेला क्वेश्चन इस टॉपिक को क्लियर करा के चला जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमसे कह रहा है टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलम आर प्लेस 5 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब दो चार्ज हैं वो एक दूसरे से 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इसको डायपोल कहते हैं। अल्टीमेटली ये डायपोल बना रहा है, तो डायपोल किस तरह से बनाएंगे, आपके पास ये दो चार्ज हैं, एक की वैल्यू है माइनस 10 माइक्रोकुलम और दूसरे की वैल्यू है प्लस 10 माइक्रोकुलम, एक दूसरे से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 5 मिलीमीटर, 5 mm है, mm को कन्वर्ट कर देंगे, चलो इसको अभी mm में ही रहने दो, 5 mm है, 5 मिलीमीटर है। और आपको बताएं मिड पॉइंट ये O होता है, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को आप 2a कहते हो जनरली, तो 2a आपको पता है कितना है 5 मिलीमीटर है। ये माइनस का 10 माइक्रोकुलम है, ये प्लस का 10 माइक्रोकुलम है, तब जाकर आपका एक प्रॉपर डायपोल बना है। हमसे कह रहा है डिटरमाइन कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, अब कहाँ कहाँ बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्वेश्चन बताएगा। हमसे कह रहा है पहले पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पर ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, जो डायपोल है उसकी एक्सिस पर ही बताना है 15 सेंटीमीटर अवे, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फ्रॉम इट्स सेंटर, तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, लो कलर चेंज कर लेता हूँ, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है सेंटर से 15 सेंटीमीटर, तो ये आर की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पर बताओ। देखो और ये भी कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की साइड में बताओ, तो पॉजिटिव चार्ज की साइड में ही आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इस पॉइंट पर तो इधर को होगा, निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस तरफ को होगा। पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, निगेटिव वाले का कम होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस तरफ को आएगी। होप सो समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ, अब मुझे एक बात बताओ 5 mm और 15 सेंटीमीटर, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब बहुत बड़ा डिफरेंस है तो आप ये कह सकते हो कि A जो हो जाएगी वो 2.5 mm हो जाएगी। यहाँ से देखो तो A और R के मुकाबले में A बहुत छोटा है, mm में चल रहा है, जबकि R जो है वो सेंटीमीटर में चल रहा, तो आर के मुकाबले ए को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। जब नेगलेक्ट कर सकते हो तो नेगलेक्ट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। ये हम ए पार्ट को सॉल्व कर रहे थे, जब ए पार्ट को सॉल्व कर रहे थे तो जल्दी से बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। वी नो दैट, सिंस वी नो दैट ई जो एक्सियल में होता है वो कितना होता है 1/4πε0 2π/r³, यही तो होता है, ये है 2π/r³। अगर मैं इसको ए मानूँ इसको बी मानूँ, तो जरा नेट की डायरेक्शन बताओ एलोंग किस तरफ को होगा, एलोंग ए टू बी, ए से बी की तरफ को निकल कर आएगा। इसको सॉल्व कर लो, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होती है 9×10⁻¹, 2 ऐसे रहेगा, पी पी आपको पता है क्या, डायपोल मोमेंट आपको पता है, नहीं पता, तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, डायपोल मोमेंट निकाला जाता है पी इज इक्वल टू कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो आप रखोगे कोई एक चार्ज, 10 माइक्रो है तो माइक्रो को ख़त्म कर दोगे, 10 माइक्रोकुलम, ठीक है, कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, ये है 5 mm, mm को ख़त्म करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो ये आपने 2 ऐसे रहने दिया, ये P की वैल्यू रख दी, पी क्यू इंटू 2a, यहाँ तक हो गई वाली। अब यहाँ पर नीचे जो चल रहा है वो चल रहा है आर का क्यूब। अब मुझे बताएं आर कितनी है, आर है 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को कर देंगे कन्वर्ट हाथों हाथ मीटर में और इसका कर देंगे क्यूब, ये आपके पास ई एक्सियल निकल रहा है। इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 2 10 10 और 10 10 और 10 हो जाएंगे 100, 100 का मतलब होता है 10⁻², 10⁻⁹ ये है, 10⁻² और आ जाएगी, 10⁻ हो जाएगी 11, तो यहाँ 9×10⁻११ ये हो गई,
ठीक है, और देखो ये भी खत्म हो गया, और देखो 10^-6 ये है, 10^-3 ये है, तो ये हो जाएगा 10^-9, 10^-6, 10^-3, 10^-9, 5×2 = 10, मतलब 10^2, तो यहाँ से 9×10^11 एक ही आया और एक ही आ चुका है। 15×10^-2 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब ये है 15 को आप 3 बार लिखोगे, और 10^-2 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 10^-6 ये हो गया। यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आगे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लो। आगे सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, 15 जो कितने होते 25, तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे 9/15×225। अब देखो 10^ यहाँ से कितनी बचेगी, माइनस का 2 ये है, प्लस का 11 ये है, तो प्लस का 2 बचेगी, -6 ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो प्लस का 6 पहले पहुँचेगी प्लस, मतलब -6 ऊपर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगी, और यहाँ से 2 और बचेगा तो प्लस का 8 हो जाएगी, तो यहाँ से लिख सकते हो आप 10^+8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, किस तरह सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का एक तरीका ये बता देता हूँ, 9 ये लिखो, यहाँ से आप 100 कह सकते हो, और ये 15×225 ऐसे रहेगा, और यहाँ 10^6 हो जाएगा। जरा 25 से काटो, 25×4 और 25×8 = 200, 25×9 = 225, 9 से ये कट जाएगा, ऊपर 4 बचे, नीचे कितने बचा 15, और 10^6 ये रह गया, 4 को डिवाइड कर दो कितने से, 15 से, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 4×9 = 36, 4×9 = 36 ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, या 9×6 = 36, 4×9 = 36, सब ट्रैक्ट करने पे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, फिर 4×9 = 36, तो 0.999 आ जाएगा, कुछ इस तरह की वैल्यू, 0.99×10^6, इसको आप कह सकते हो 9.9×10^5, कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है 9.9×10^5। कैलकुलेशन में देख लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ा गई है, कैलकुलेशन को जरा देख लो एक बार, यहाँ से 15×15 से मल्टीप्लाई कर दे, 15×15 = 225 होते हैं, 225 लिखा हुआ, ये 15 ऐसे ही है, 9 ऐसे ही है, और 10^8 का मैंने 10^6 कर दिया, लेकिन 100 यहाँ पर ले लिया। अब 5 से काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25×100 और 25×9 = 900 बार चला जाएगा, तो 9×9 कट गया, सी, अरे यहाँ पर हाँ सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर 4 बचेगा, और 4 यहाँ पर बचेगा 15, और 10^6 ये चल रहा था, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं 4/15, तो 15×4 = 15×2 = 30, 15×3 = 45, हमसे गलत हो गया, गलत यही बस डिवाइड गलत हुई है यार, क्या गजब बात है भाई, एक डिवाइड पे ही दिमाग काम करना बंद कर रहा है। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 15 से, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, तो 15×4 = 60, 15×3 = 45, 15×2 = 30, सब्ट्रैक्ट करने पर 10 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया, ठीक है, 15×9 = 15×6 = 90, 6 बार चला जाएगा 90, सब्ट्रैक्ट करने पर कितने बचे 10, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, 15×6 = 90, तो वैल्यू आ जाएगी 0.266, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.266×10^6, सही करके लिखेंगे 2.66×10^5 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ चुकी है एक्सियल डायरेक्शन में, जो हमसे पूछी गई थी, और मैंने लिख दिया है कि ये ए से बी की तरफ को होगी, तो पहले वाले पार्ट का तो आंसर क्लियर है, एक्सियल वाला फॉर्मूला लगाया, बाकी कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन आपने दिमाग से देख ही ली है कि किस तरह से हुई है, वैसे ही आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, तो कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आ गई 2.66×10^5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि ठीक है पहले वाला पार्ट तो एक्सियल वाला है, जरा दूसरे वाले पार्ट की तरफ देखो, सेकंड वाला पार्ट, बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि अब ये जो ओ पॉइंट था, मिड पॉइंट है डायपोल का, डायपोल के मिड पॉइंट से अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ इन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। अब डायपोल की एक्सिस से जो पॉइंट यहां पर था क्यू 15 सेंटीमीटर अवे, अब वो यहां से हट करके इस तरह से आ गया ऊपर की तरफ को, जस्ट परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट के ऊपर आ चुका, और आपको पता है जब मिड पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो इसको बोलेंगे इक्विटोरियल पॉइंट, मतलब ये क्यू पॉइंट जो है अब इक्विटोरियल पर पहुंच चुका है, इक्विटोरियल पर, और आपको पता है डिस्टेंस सेम रखी गई है, इक्विटोरियल पर पहुंच चुका है ये क्यू पॉइंट, और आपको पता है एक चीज़ क्या, इक्विटोरियल जो होता है
वो ई एक्सएल का जस्ट हाफ होता है। अगर आप लोगों ने डेरिवेशन किए होंगे तो आपको 100% आपके टीचर ने बताया होगा, वरना मेरे आप क्लास देख सकते हैं, मैंने खुद बता रखा है, चेक कर सकते हैं लेक्चर के अंदर, मैंने ई इक्विटोरियल बता रखा है कि ई एक्सएल का हाफ होता है। अब ई एक्सएल आपके पास कितनी आई है, 2.66 ई आई है इंटू 10^5। जब इसका हाफ करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.33 इंटू 10^5 न्यूटन पर कूलम। होप सो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें डायरेक्शन देखते हैं, नेट की डायरेक्शन, और आपको ये चीज़ मैंने बता रखी थी डेरिवेशन के अंदर भी, और आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर भी अगर आप दिखाना चाहें तो, कि जो नेट की डायरेक्शन आती है ना वो एंटी पैरेलल आती है डायपोल मोमेंट के। तो आप कह सकते हैं ई नेट इज एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ये वाली बात मैंने वहाँ पर बड़ी क्लियर समझाई थी डेरिवेशन के अंदर, जो ई नेट होता है ना वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल किसका एंटी पैरेलल होता है, डायपोल मोमेंट के। होप सो समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, वो भी जल्दबाजी की वजह से। न्यूमेरिकल पूरा एक नंबर ओके है, आप बिल्कुल ऐसे ही करते चले जाएँ, आपका गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल 55 अच्छा इसलिए भी है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा, बेस भी क्लियर करेगा और अकेला क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देगा पूरे इस टॉपिक के। थैंक यू सो मच गाइज आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरीके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिएगा।